हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी दही और पुदीने की चटनी। शादी रेस्टोरेंट में स्टार्टर्स के साथ जो हम चटनी खाते हैं, ये वही चटनी है। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, साथ ही है थोड़ा सा दही, आधा नींबू, लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। चटनी जार में मैंने यहाँ पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धो करके इसमें डाल दिया है, साथ ही हरी मिर्चों को भी आधा तोड़कर डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज अवॉइड करें। इसको हम पीस लेते हैं। अगर आप नॉनवेज स्टार्टर बना रहे हैं तो लहसुन डालिए, उससे जो खुशबू आती है चटनी में, जो टेस्ट आता है, वो लहसुन से ही आता है। वैसे ऑप्शनल है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच दही और आधा नींबू का रस। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये चटनी दही डालने से पहले ही पतली बनती है। दोबारा से इसे पीस लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये चटनी है। जब भी आप घर में स्टार्टर बना रहे हैं, चाहे वो पनीर पकौड़ा हो या कबाब में भी मैंने यही चटनी इस्तेमाल की थी। ये देखिए चटनी बनकर तैयार है और इसमें पानी हमने ऐड नहीं किया, इसके बावजूद ये पतली बनी है। आई होप आपको मेरी ये क्विक सी रेसिपी पसंद आई होगी, पुदीने और दही की चटनी की। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and keep watching my channel.